नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे रेक्स 94.3 माय एफएम से। और इस अभियान से पहले मुझे ऐसा लगता था कि शायद जिन रोडों से मैं गुजरता हूं उसी पर सबसे बड़े गड्ढे हैं, पर मेरे ये ख्यालात जो हैं वो पूरे बदल चुके हैं, क्योंकि अब मैं जैसे जैसे इस मुहिम में आगे बढ़ रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं अलग अलग जगहों पर। इस समय हम हैं सारण नगर के इस नेशनल हाईवे पर। यस, ये नेशनल हाईवे है आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं। और यहाँ के खड्डों से आम जन को क्या परेशानी है, यही जानने के लिए 94.3 माय एफएम और दैनिक भास्कर के अभियान सारण नगर का गड्ढा बनेगा आरजे रेक्स का अड्डा में आज मैं यहाँ आया हूँ। आइए जानते हैं यहाँ इन गड्ढों से लोगों को क्या परेशानियाँ हो रही है। और इस समय यहाँ पर जो लोग ट्रैवल करते हैं, यहाँ से लोग गुजरते हैं, उनसे भी हम बात कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? दिनेश प्रजापत। दिनेश जी, यहाँ से रोज आना जाना होता है आपका? ये रोड कब से ऐसी टूटी फूटी हुई पड़ी हुई? ये महीना महीना डेढ़ दो महीना हो गया कम से कम। और इससे क्या परेशानी आती है आपको? रोज यहाँ से आने जाने में धूल उड़ती है, कभी हर रोज का खर्चा रहता है गाड़ी का, कभी क्या टूट जाता है, कभी क्या टूट जाता है। मेरा नाम विक्रम सिंह है और मैं इस रास्ते से रोज़ निकलता हूँ, मेरे को बहुत परेशानी होती है। कब से हैं ये गड्ढे यहाँ पर? ये गड्ढे हो गए करीब दो ढाई महीने हो गए और बारिश का पानी इतना भरा रहता है कि हमें बहुत तकलीफ होती है। क्या परेशानी होती है आपको गड्ढों से? गाड़ी निकालने में तो परेशानी होती है, गाड़ी गिर जाती है गड्ढों की वजह से पानी के अंदर। ओके। और इस वजह से ना गाड़ी पूरी ख़राब हो गई थी, मेरे 4,000 रुपये गाड़ी में लग गए, शॉकर वगैरह सब खराब हो गए गाड़ी। आपने कभी कंप्लेंट की है किसी अधिकारी को, डिपार्टमेंट को? कंप्लेंट तो नहीं करी, मैं जानता नहीं हूँ कहाँ पर कंप्लेंट होती है। किरण जी, किरण जी, इस रोड से गुजरना होता है आपका डेली? दिन में दो बार। तो ये जो गड्ढे हैं यहाँ, जो रोड की दुर्दशा हुई है, इससे क्या प्रॉब्लम होती है? बहुत प्रॉब्लम होती है, आने जाने में दिक्कत होती है, बच्चे रोज गिरते हैं, आने जाने में दिक्कत होती है, पानी भर जाता है, सीवर लाइन का पानी आ रहा है और सभी परेशान हैं यहाँ से। तो कभी आपने डिपार्टमेंट से कंप्लेंट की? कंप्लेंट तो करते ही है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उनके करने से, कंप्लेंट तो करते ही है। दीपक, दीपक जी, कब से ऑटो चला रहे हैं आप? 5 साल से चला रहे हैं। और इस रोड पर? इस रोड पर तो मतलब 5 साल से यहाँ के रहने वाले, रोड की बहुत समस्या है यहाँ। तो ये जो गड्ढे हैं उनसे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपके जो कस्टमर्स बैठते हैं उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम तो यही भी है, कोई मतलब बीमार आदमी होता है इसके लिए भी, हर चीज़ के लिए मतलब बेकार ही है, तो मतलब गड्ढे वगैरह तो कोई बीमार रहता है, कोई मतलब प्रेगनेंट होता है इसके लिए, सबके लिए मतलब बेकार ही है। अंकित कुमार। आप कहाँ रहते हैं? रमजान जी का हत्ता। और यहाँ से रोज़ गुजरना होता होगा? हाँ, दिन में दो तीन बार। कब से हैं ये गड्ढे, सबसे पहले तो ये जानना चाहिए? लगभग डेढ़ दो महीने से। और क्या परेशानी होती है आपको? दिन भर यहाँ पे काफ़ी लोग, बरसात में तो काफ़ी लोग गिर जाते हैं और इतना मतलब रोड पे चलना बड़ा मुश्किल हो रखा है, बहुत परेशान है हम लोग इससे। हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये रोड बन जाए। कुलदीप सिंह। यहाँ से रोज आना जाना होता है? रोज होता है। क्या परेशानी है इन गड्ढों से आपको? गड्ढों से पूरी गाड़ी हिल गई है, बहुत परेशानी है, सब कुछ गाड़ी पूरी मेंटेनेंस मांगती है हर महीने, टायर फटते हैं, कितनी गंदगी हो रही है, आना जाना यात्री परेशान रहते हैं। तो ये है जोधपुर से अजमेर जयपुर के लिए आपको इसी रोड का सहारा लेना होता है। और इस रोड की हालत जो है वो कैसी है आप अपने पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा गड्ढा हुआ हुआ है, आगे भी गड्ढे हैं और वो एक और एरिया है जहाँ पर मिट्टी डालने के बाद में वहाँ पर भी एक स्लोप बन चुका है। बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा था और JDA ने इस गड्ढे को ठीक करते हुए यहाँ मिट्टी और कंक्रीट डाला, उसके बाद में पानी जो है अब यहाँ आकर रिस रहा है। मैं मेरी कैमरा टीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये पूरी जगह दिखाए जहाँ वो पानी जा रहा है। देखिए आप, इस तरह से पूरा पानी इकट्ठा हो चुका है और ये जो बस निकल रही है अब इसे कितना झटका लगेगा आप खुद देखिए। ये देखिए यहाँ ये निकलते समय कितनी तकलीफें हो रही हैं इनको। और ऐसा नहीं है कि रोड के एक तरफ ये हालात हैं, रोड के दूसरी तरफ भी हालात कुछ इस तरह से ही हैं। और अब मैं आपको रोड का दूसरा साइड दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारी कैमरा टीम से कि नीचे थोड़ा सा कैमरे को लें। और बिल्कुल रोड की स्थिति जो है वो ये है, आप देख पा रहे होंगे गड्ढे हैं। मिट्टी उड़
बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि गड्ढों की वजह से कितनी प्रॉब्लम आ रही है। आज हमने देखा कि मैक्सिमम लोग जो है वो यहाँ से गुजर रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो आदी हो चुके हैं इन गड्ढों के भी, इसीलिए उनके भाव जो हैं वो घूम फिर कर एक ही आ रहे हैं कि प्रशासन को बोल दिया साहब बनती तो है नहीं, यहाँ का हर साल का यही नाटक है। तो इस तरह के कई सारे रिएक्शन आए। नितिन जी आप क्या कहना चाहेंगे? जो आज जो दिख रहा है एक समस्या, अपन सारंगनगर में बैठे हैं, ये अजमेर मेन रोड है, जयपुर का रास्ता भी ये जाता है। लोगों ने बता रहे हैं कि मेन रोड पे ऐसी स्थिति है, 4 लेन रोड है, हाईवे रोड है और पूरे गड्ढे, मतलब आगे रोड बढ़ रहा है तो यहाँ सीवरेज पीछे आ रही है। इतना बड़ा रोड है यहाँ सीवरेज की व्यवस्था ही नहीं की गई है। लोगों बोल रहे हैं कि निकल रहे हैं गड्ढों से, परेशान हो गए हैं, एक एक बात परेशान हो गए, लेकिन ये परेशानी सिर्फ लोगों के खुद महसूस कर रहे हैं उनको ऊपर है, प्रशासन शासन और किसी जनप्रतिनिधि के चेहरे पर नहीं है ये, इसीलिए लोग भुगत रहे हैं। और जब तक ये नहीं चेतेंगे जब तक हमें गड्ढे से ही गुजरना पड़ेगा। और इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये एरिया जो है ये मुख्यमंत्री साहब का बड़ा वोट बैंक माना जाता है और इस इलाके के लोगों से जिनसे भी हमने बात की है अब तक, उन सब का सिर्फ यही कहना है कि हर साल इस रोड पर यही हालात होते हैं, बारिश के बाद में हमेशा यही हालात होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि JDA जल्द ही इस पर एक्शन ले और यहाँ पर एक प्रॉपर रोड बनाए, क्योंकि हम लगातार जब से हम ये अभियान में जुड़े हैं देख रहे हैं कि प्रॉपर एक समाधान नहीं मिल रहा है। कंक्रीट डालकर मिट्टी डालकर पार्ट टाइम काम तो कर दिया जा रहा है पर एक परमानेंट सॉल्यूशन जिसकी हमें ज़रूरत है वो नहीं मिल रहा है। तो MyFM और दैनिक भास्कर यही कहना चाहेगा कि एक परमानेंट सॉल्यूशन दिया जाए ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिले, वो आराम से अपना सफ़र कर सके। सुनते रहिए 94.3 MyFM और पढ़ते रहिए दैनिक भास्कर। इस अभियान के लिए जोधपुर के गड्ढे बनेंगे RJ रेक्स के अड्डे।